ऊना जिले के आरोन क्षेत्र में एक दिन पहले पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में गुना एसपी ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को नकारा है। दरअसल देर रात से सोशल मीडिया और कुछ समाचार चैनलों द्वारा पुलिस पर फायर करने वाले चार शिकारियों का एनकाउंटर करने की खबरें चलाई जा रही है। इसके बाद गुना एसपी राजीव कुमार मिश्रा और ग्वालियर जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डी श्रीनिवास मीडिया के सामने आए और पुलिस कार्रवाई की जानकारी दी। दरअसल रविवार सुबह से ही मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें गुना के चार गुनहगारों का एनकाउंटर होने की जानकारी दी गई है। हालांकि सारंग के ट्विटर वॉल पर ऐसा कोई ट्वीट दिखाई नहीं दे रहा है। इन अफवाहों पर पुलिस ने भी विराम लगाया है। गुना एसपी राजीव कुमार मिश्रा और ग्वालियर जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डी श्रीनिवास ने बिल्कुल साफ किया है कि पुलिस ने नौशाद और शहजाद नामक दो आरोपियों का एनकाउंटर किया है। अब तक हुए घटनाक्रम में एक पुलिसकर्मी भी बदमाशों की गोलियों से घायल हुआ है। अभी जो शाम का घटनाक्रम हुआ है उसमें हमारी पुलिस की पार्टियां जंगलों में सर्च कर रही थी। उस सर्चिंग के दौरान जो बदमाश थे वो दिखे, उनको रोका गया, परंतु वे रुकने की जगह उन्होंने फायरिंग चालू कर दी। पुलिस की पार्टी के ऊपर फायर हुआ है, हमारा एक जवान को उसमें छर्रा लगा है। जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने पलट के फायर किया तो उस जो व्यक्ति था जो फायर कर रहा था उसको गोली लगी है, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद में वो आइडेंटिफाई भी हो गया। इस तरह से ये कार्रवाई हुई है। अभी तक सर कितने आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है? दो आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है, दो आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, चार आरोपी अभी फरार हैं, उनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। राइफल का पूरा क्लू लग गया है और वो जल्द ही बरामद कर ली जाएगी। काला हिरण नहीं था, जो मौके पे मिले हैं वो सामान्य हिरण मिले हैं और एक मोर मिला है। सर इनकी गिरफ्तारी कहाँ कहाँ से की गई है? गिरफ्तारी इनकी अलग अलग स्थानों से की गई है। कुछ वहाँ जो गांव हैं विरोधिया गांव हैं उसी के पीछे की तरफ एक व्यक्ति मिला है, एक व्यक्ति को उसके आगे राहुगढ़ के इधर से गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पे चल रहा है चार आरोपियों का एनकाउंटर हो गया। आपको बता दें कि गुना में पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में दो आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है और सोनू खान व जिया खान नामक दो शिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि आरोपियों के गांव बरोदिया में अब भी पुलिस और प्रशासन डेरा जमाए हुए बैठे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।